अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल फिल्म्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कस्टम ब्रशेज़ ऐड कर सकते हैं। तो कस्टम ब्रशेज़ के लिए आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट का जो टेम्पलेट है इस पर कुछ भी ड्रॉ करना है। जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसके बाद आपको सिलेक्ट पर जाना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट के ऊपर जो बना हुआ है उसको क्लिक करके यूँ करके उसको सिलेक्ट कर लेना आपने जो भी ड्रॉ किया, एंड देन यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर क्लिक कर लेना। ओके, इसके बाद आपको शिफ्ट पे क्लिक करना है और अल्ट पे क्लिक करना है, यानी शिफ्ट और अल्ट की जो आपकी कीबोर्ड में कीज़ होती है उनको प्रेस करना है और होल्ड करना है, छोड़ना नहीं उन कीज़ को। एंड देन जैसे आप इसके ऊपर यूं करके ड्रैग करेंगे तो आपका कस्टम ब्रश बन जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है और ये सिर्फ इन शेप पे वर्क नहीं करता, बल्कि ये आप अगर पेंसिल से भी कुछ ड्रॉ करते हैं तो ये उस पर भी वर्क करेगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट एंड अल्ट की प्रेस की, तो ये भी आपका कस्टम ब्रश बन गया। तो ये आपके टेक्स्ट पे भी, आप अपने टेक्स्ट को भी कस्टम ब्रश बना सकते हैं, आप अपने शेप से भी ब्रश बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था कि कैसे आप लोग अपना कस्टम ब्रश बना सकते हैं। यूट्यूब पे कई फेक ट्यूटोरियल्स हैं इसके बारे में, लेकिन ये एक सिंपल CMS पेंट की ट्रिक है और ये मैंने अपने सोचा कि अपनी MS पेंट की प्लेलिस्ट में डाल दूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। सो फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।